हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेज रिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट टू को, और इसमें हम एडोलेसेंस स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे अगर कोई भी न्यू वीडियोस आते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको इस चैनल पे कराया गया कंटेंट पसंद आ रहा है और आप सिस्टमैटिक तरीके से मुझसे सीटेट या किसी भी अन्य स्टेट टीईटी एग्जाम के लिए पेडागॉजी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अचीवर्स ऐप का डाउनलोड करने का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप किसी भी तरह का ऑनलाइन टेस्ट अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब अगर आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए भी आप हमारे ऐप पर आ सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट का डायरेक्ट लिंक जो है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा सीटेट का एक स्पेसिफिक कोर्स इस समय ऐप पर चल रहा है, तो प्लीज चेक द कोर्स। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को जरूर परचेज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना वीडियो। एडोलेसेंस स्टेज जो कि 13 से 19 इयर्स है फॉर बॉयज एंड 11 टू 17 इयर्स है फॉर गर्ल्स। यहाँ पर देखिए, एडोलेसेंस स्टेज या किशोरावस्था हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों के अंदर बहुत से परिवर्तन होते हैं। उन शारीरिक परिवर्तनों से बच्चे बहुत परेशान भी हो जाते हैं, उन्हें बहुत संभालना भी पड़ता है। तो ये जो किशोरावस्था है, इसको स्टैनले हॉल का एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। एडोलेसेंस स्टेज के बारे में दो थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ एडोलेसेंस पे देखिए। पहली थ्योरी आपकी थ्योरी ऑफ सेल्टेटरी डेवलपमेंट, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, जिसे सपोर्ट करते हैं स्टैनले हॉल। इनका कहना है कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन है वो अचानक होते हैं, ठीक है, वो आकस्मिक अचानक से हो जाते हैं वो सारे परिवर्तन। या आप ये भी कह सकते हैं कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई भी संबंध नहीं होता। और दूसरी एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी क्रमिक विकास का सिद्धांत, और इसको सपोर्ट करते हैं किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ। इनका कहना है कि जैसे ऋतुएं परिवर्तन होती है ना, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो हम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जा रहे होते हैं तो उसके थोड़े बहुत चिन्ह हमें दिखाई देने लग जाते हैं। नई ऋतु के आने से पहले हमें थोड़े बहुत उसके प्रमाण दिखाई देने लग जाएंगे। इसी तरीके से जो किशोरावस्था होती है वो अचानक नहीं आती, ये परिवर्तन निरंतर धीरे धीरे होते हैं, ग्रेजुअल है ये डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि अचानक से परिवर्तन आने शुरू हो गए और इसका पुरानी आपकी स्टेजेस से कोई रिलेशन नहीं है। थ्योरीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस खाली पता होना चाहिए कि दो तरह की ऐसी थ्योरीज है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, यानी शारीरिक विकास। किशोरावस्था को जो है शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। भार में, लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है, फिर जो शरीर की अन्य मांसपेशियां होती है, जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो काफी तेजी से होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे बॉयज में अगर आप देखेंगे तो उनकी दाढ़ी आने लगती है, उनकी वॉइस भारी होने लगती है। लड़कियों में भी चेंजेस देखने को मिलता है, उनकी वॉइस बहुत सॉफ्ट हो जाती है उनकी वॉइस। तो ये सारे फिजिकल डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, यानी मानसिक विकास, तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि इमेजिनेशन काफी इंक्रीज हो जाती है। इमेजिनेशन हो गया, कल्पना करना, दीवा स्वप्न की बाहुलता हमें देखने को मिलती है। बुद्धि का बहुत ज्यादा विकास हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति हुई, तर्क देने की शक्ति, यानी आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी होती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। अब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी समझना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमें कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स देखने को मिलते हैं। फिर तीसरा है आपका फास्ट फ्रेंडशिप, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। अगर बच्चे किसी ग्रुप का हिस्सा है भी, तो भी आप देखेंगे कि एक या दो कुछ ऐसे फास्ट फ्रेंड बन जाते हैं बच्चों की इस एज में, जिनके साथ वो सब कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो एक या दो बिल्कुल घनिष्ठ मित्र जो है वो बन जाएंगे और जिनके साथ बच्चे अपने सारे सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे। फिर है सेल्फ एस्टीम इंक्रीजेस, स्टेटस एंग्जायटी। तो यहां पर बच्चों के अंदर अपने स्टेटस को लेकर, अपने सेल्फ एस्टीम को लेकर एक एंग्जायटी आ जाती है, मैं क्या हूं, मुझे क्या बनना है, इस चीज को लेकर बच्चों के अंदर एक चिंता डेवलप हो जाती है। फिर है फ्यूचर को लेकर एंग्जायटी, फ्यूचर एंग्जायटी मतलब भविष्य, मुझे क्या करना है, इसको लेकर भी बच्चे के मन में चिंता आने लगती है, क्योंकि अब बच्चे को उस स्टेज में आ गए हैं जहां बच्चे को अब एक कोई करियर लेना है, तो वो करियर क्या लेना है, किस फील्ड में जाना है, अपने फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है, इन चीजों को लेकर बच्चों के मन में चिंता आ जाती है। फिर है चेंज इन इंटरेस्ट एंड स्टेबिलिटी। तो यहां पर हम देखेंगे कि 15 वर्ष की आयु तक, ठीक है, अगर 15 इयर्स की एज तक की बात करें तो यहां तक तो बच्चों के जो इंटरेस्ट है वो चेंज होते रहते हैं। कब वो सोचेंगे, कभी उनका इंटरेस्ट किसी फील्ड में है, कभी किसी और फील्ड में,
तो यहां तक तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन इसके बाद बच्चों के इंटरेस्ट में स्टेबिलिटी आ जाती है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। फिर है लैक ऑफ एडजस्ट, समायोजन का अभाव। इस एज के जो बच्चे होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं, ना तो वो बच्चों में आ रहे हैं और ना वो पूरी तरह से बड़ों में आ रहे हैं, तो वो उन्हें अपने आसपास के एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन यानी रिकैपिटुलेशन कहा है। जैसे कि एक शैशवावस्था में बच्चा होता है वो अपने आसपास के एनवायरमेंट को जान रहा होता है, उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, सेम चीज यहाँ एडोलेसेंस में भी होती है। यहाँ पर फिर से उसे एडजस्ट करना है अपने आप को इस चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ, क्योंकि ना वो बच्चों में आ रहा है ना वो बड़ों में आ रहा है। फिर देखिए फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस, समाज सेवा की भावना। इस अवस्था के बच्चों में हम देखेंगे कि समाज सेवा की भावना बहुत ज्यादा मिलती है, और बेसिकली अगर हम देखेंगे तो काफी सारे आदर्श मूल्य जो है ना हमें इन एज के बच्चों में दिखाई देंगे। एडोलेसेंस एज में क्या होता है, बहुत वो आदर्शवादी होते हैं बच्चे, आइडियलिस्टिक होते हैं, उनका जो थिंकिंग होती है जो सही है वो सही है, वो हर कीमत पे सही चीज करनी चाहिए, और इसीलिए समाज के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वो समझते हैं कि हमें समाज की सेवा करनी है। बल्कि इनके अंदर ये भी होता है जोश के हमें हम समाज को बदलने की भी ताकत रखते हैं। तो ये जो है फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस हमें बच्चों में देखने को मिलती है इस अवस्था। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप यानी समूह की महत्व। इस एज के बच्चों में हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्रुप के प्रति बहुत ज्यादा बच्चे वफादार होते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी ग्रुप का हिस्सा है बच्चे तो उस ग्रुप की सब बातें मानेंगे। अगर मान लीजिए उनके पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं लेकिन ग्रुप कुछ और कह रहा है तो वो ग्रुप के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, इवन के अपने फैमिली मेंबर्स से भी ज्यादा होती है एक एडोलेसेंट एज के बच्चे के लिए। और इसीलिए कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए जो बच्चा है वो कुछ भी करने का तैयार हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो ध्यान रखे कि किस तरह के सोशल सर्कल में उनका बच्चा है। अगर गलत तरीके के समूह में बच्चा फंस जाता है, ये कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं बच्चे और उनके जैसा बनने के लिए बच्चे को गलत काम करने पड़ रहे हैं, तो यहीं पर जो है बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये बहुत देखना जरूरी है कि जो फ्रेंड सर्कल है बच्चे का वो कैसा है। फिर है मॉरल एंड इमोरल डेवलपमेंट, नैतिक और अनैतिक विकास। ये जो एज होती है यहाँ पर बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास भी हो सकता है और अनैतिकता का विकास भी हो सकता है। इसी स्टेज में बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कि वो या तो संभल जाएंगे या फिर बिगड़ जाएंगे। तो अगर बच्चा अच्छी संगत में है, अच्छी चीजें सीख रहा है, तो उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है और वो अच्छी राह पकड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बुरी संगत में फंस के, बुरे ग्रुप्स का हिस्सा बन के बच्चे क्या करते हैं, अनैतिक चीजों की तरफ बढ़ जाते हैं और वहीं पर उनका भविष्य खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों ही तरीके का डेवलपमेंट हमें यहाँ बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। फिर है फ्रीडम एंड रिवोल्ट फीलिंग्स, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। अब किशोरों के अंदर जो शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता होती है इसकी भावना बहुत प्रबल होती है। इन्हें लगता है कि ये जो आदर्शवादी विचारधारा रखते हैं वो सही है और समाज की जो विभिन्न परंपराएं हैं, अगर कुछ अंधविश्वास है या कुछ रीति रिवाज है, ये उनमें बंद कर नहीं जीना चाहते, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और अगर इन्हें कोई बांधने की कोशिश करे, जबरदस्ती इनके ऊपर थोपने की कोशिश करे, तो इनके अंदर विद्रोह की भावना जग जाती है, फिर ये रिबेलियस हो जाते हैं, ये रिवोल्ट करते हैं। फिर है ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर, वांछनीय परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन बच्चा तब लाता है जब उसे सही डायरेक्शन मिल जाए, या फिर उसे जब पता होता है कि जैसे कि मैंने ग्रुप की बात करी कि ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए बच्चे उस काम को करेंगे जो उस ग्रुप में मान्य होगा। तो इसीलिए बच्चे अपने अंदर वांछनीय परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। अब वो अच्छे की तरफ भी हो सकता है, मान लीजिए अगर किसी ने अपना गोल बना लिया कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, तो वो क्या करेगा, इस स्टेज के बच्चे फिर दिन रात उठ के अपने फिजिकल की तैयारी करने लगते हैं, वो खुद जॉगिंग कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अपने आपको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए वो अपने अंदर वांछनीय परिवर्तन लाते हैं। फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन का निर्माण। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ये अपने जीवन दर्शन का भी निर्माण कर लेते हैं, मतलब इनकी आइडियोलॉजी क्या है अपनी लाइफ की तरफ, ताकि वो आगे उन्हें बढ़ने में मदद करे, उन्हें पता चले कि उन्हें जीवन में करना क्या है। फिर है रियलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लाइफ, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में रियलाइजेशन होना। इन्हें समझ में आ जाता है इस एज में कि हम देखेंगे 15 साल की उम्र तक तो बच्चे की इंटरेस्ट चेंज हो रहे थे, लेकिन उसके बाद बच्चा जो है एक गोल को पकड़ लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे आगे क्या करना है, और फिर उसे पूरा करने में वो जुट जाए। अब देखते हैं कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए एडोलेसेंस स्टेज में। सबसे पहला है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो हमने कहा कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ बहुत तेजी से होता है, बहुत सारे बॉडीली चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर शारीरिक विकास के लिए शिक्षा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, एक तो हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, ताकि बच्चों को
अपनी पर्सनल हाइजीन और इन सब चीजों का पता हो, कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं इसका पता हो। इसके अलावा जो और आपके शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइजेस होती है, ठीक है, जिससे बच्चा तंदुरुस्त रह सके, फिर स्पोर्ट्स गेम्स, इन सब का प्रबंध होना चाहिए। फिर सेकेंड है एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास के लिए शिक्षा। अब देखिए मानसिक विकास के लिए शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो मेंटल एबिलिटीज है काफी डेवलप हो जाती है, तो यहाँ बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीजें भी सिखाई जा सकती है। दूसरी चीज, बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से मिलनी चाहिए, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें इतने देखने को मिलते हैं कि हर तरीके के बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो सके इसके लिए क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए ताकि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार जो है सेलेक्ट कर सके। जिसको आर्ट्स में जाना है वो आर्ट्स में जाए, जिसको साइंस में जाना है साइंस में जाए। और बल्कि अब हमारी जो नई शिक्षा नीति आ गई उसमें तो बहुत अच्छी चीज है कि जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम में आ गए तो आपको सारे साइंस के ही सब्जेक्ट लेने, आप यहाँ अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। यानी आज का टाइम ऐसा है, आएगा नई शिक्षा नीति में कि अगर आप बायोलॉजी के साथ आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर है एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। अब बच्चों के अंदर अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के इमोशंस यहाँ पर होते हैं, तो हमें शिक्षा इस तरीके की देनी है कि बच्चे के जो अच्छे संवेग हैं, इमोशंस हैं, वो आगे बढ़ सके, और जो गलत है चीजें या उसके मन में कोई गलत भावनाएं आ रही हैं तो उसको वो प्रॉपरली क्या कर सके, उसको समझ में आए कि वो यहाँ गलत सोच रहा है, उसको दमन कर सके उसका, ठीक है, और सही और अच्छी भावनाओं को का विकास हो सके। इसके लिए क्या किया जाएगा, सही तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट हो इसके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज जहां पर बच्चा जो है इमोशनली अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर सके, ठीक है, उसका प्रबंध होना चाहिए। फिर है एजुकेशन फॉर सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों के लिए शिक्षा। अब देखिए हमने देखा है कि यहाँ पर बच्चे के लिए जो ग्रुप्स है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इसी से वो काफी सारे सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में समझता है। तो यहाँ पर हमें ग्रुप एक्टिविटीज का यहाँ पर प्रबंध करना चाहिए या फिर अरेंजमेंट होना चाहिए। यहाँ पर इसके लिए क्या होना चाहिए, सामूहिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, सामूहिक खेल होने चाहिए, ग्रुप स्पोर्ट्स, ग्रुप गेम्स, स्काउट गाइड होने चाहिए, और एनसीसी वगैरह जो है इन सबको इसीलिए रखा जाता है ताकि वहां पर बच्चे ग्रुप में कैसे काम करते हैं उसको सीख सकें। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। तो जैसा कि हमने अभी पहले भी बात करी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स के सबके इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, सबकी जो रुचियां होती है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में हो सकती है, हो सकता है अलग अलग फील्ड में हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज एजुकेशन करिकुलम में इंक्लूड की जानी चाहिए। फिर है प्री ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, यानी पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। अब एडोलेसेंस स्टेज के बाद बच्चों को कोई ना कोई करियर लेना होता है, तो उन्हें ये जब समझ में नहीं आता है कि वो कौन से करियर की तरफ जाए, या फिर उन्हें ये तो नहीं पता होता कि इस करियर में उन्हें एक्चुअल में क्या करना होगा। किसी किसी चीज से वो फैसिनेट जरूर हो जाते हैं, लेकिन जब वो, हमने देखा होगा कई बार किसी चीज से फैसिनेट होकर बच्चा उस फील्ड में गया लेकिन वहां पर वो अच्छा नहीं कर पा रहा, उसको बाद में लगा कि नहीं ये चीज मेरे लिए है ही नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं करना था, तो उस समय जो है दोबारा से कोई एक और करियर फील्ड टेकअप करना उसके लिए टाइम वेस्टिंग हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्री ऑक्यूपेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कूलों में इसका अरेंजमेंट होना चाहिए कि जिस भी फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसकी पहले उसको थोड़ा बहुत उस व्यवसाय के बारे में एजुकेशन दी जाए, बताया जाए कि इसमें किस तरीके से काम होता है। फिर है एजुकेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ, जैसा कि हमने कहा यहाँ पर बच्चों का जीवन का जो दर्शन होता है उसका निर्माण हो जाता है, लेकिन ये बिना किसी गाइडेंस के नहीं सकता। तो यहाँ पर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को सही तरीके से अपने जीवन का दर्शन या अपनी लाइफ की फिलॉसफी बनाने में हेल्प करें। फिर है रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, धार्मिक और नैतिक शिक्षा। तो यहाँ पर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है अब एक रियल वर्ल्ड में कदम रखने वाले एडोलेसेंस स्टेज के बाद, तो बहुत जरूरी है बच्चे जो है रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन बच्चों को दी जाए, सही गलत का उन्हें फर्क हो, उनके अंदर धर्म के प्रति, सही और गलत के प्रति, अच्छे और बुरे के प्रति उनके अंदर समझ हो कि भाई क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, जिससे वो अपने आप को समाज के नैतिक मूल्यों के अनुकूल बना सके। फिर है सेक्स एजुकेशन, तो क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों के एडोलेसेंस स्टेज के बच्चों के अंदर देखने मिलती है, वो इसीलिए क्योंकि बच्चों के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिससे उनका इमोशनल फिजिकल हर तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सेक्स एजुकेशन, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो अपने अंदर आ रहे परिवर्तनों को ठीक से समझ भी सके। फिर है रिकॉग्निशन ऑफ एडोलेसेंस, किशोर के महत्व को मान्यता।
अब जैसे कि हमने बात करी कि ना तो वो किशोर जो है बच्चों में आते हैं ना बड़ों में आते हैं, बड़ों में बीच में बैठने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें भगा देते हैं कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम क्या समझोगे हमारी चीजों को। तो हमें बार बार ऐसा नहीं करना है, हमें जो किशोरावस्था में बच्चे हैं उनको भी महत्व देना है। और वो महत्व हम कैसे दे सकते हैं, उनको हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम दें, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम देने चाहिए हमें, उत्तरदायित्व वाले, जिससे कि उनके अंदर भी एक भावना जागृत हो कि हाँ भी हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमें रिस्पॉन्सिबल समझा जा रहा है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक। फिर नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ओवर क्राइम टेंडेंसी। एडोलेसेंट स्टेज के बच्चे जो है वो डेलिक्वेंट भी बन सकते हैं, वो अपराध जगत की तरफ जा सकते हैं, गलत कामों में फंस सकते हैं। तो हमें क्या करना है, चेक रखना है इन बच्चों के ऊपर कि वो इस तरह के अपराध जगत में ना चले जाए, कहीं गलत कामों में ना फंस जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें एडोलेसेंट स्टेज के जो बच्चे होते हैं उन्हें निराश नहीं होने देना चाहिए कभी भी, क्योंकि ज्यादातर जो ये क्राइम टेंडेंसी डेवलप होती है ये निराशा से होती है। जब बच्चा कुछ करना चाहता है उसे बार बार निराशा हाथ लगती है तभी वो क्राइम की ओर बढ़ जाता है या फिर गलत कामों की तरफ बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को निराश होने से बचाना है। और फिर है आपका गाइडेंस टू एडोलेसेंट, किशोर निर्देशक। अब बच्चों को इतने महत्वपूर्ण डिसीजन स्टेज पे अपने लिए लेने होते हैं, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, वो बिना गाइडेंस के नहीं हो सकते। तो वो चाहते हैं कि जब हम कोई फैसला ले तो हमें सही गाइडेंस भी मिले, तो वो प्रॉपर गाइडेंस भी हमें सही तरीके से उन्हें प्रोवाइड करनी है। तो ये था आज का टॉपिक, स्टेज रिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।